हे यूट्यूब, और कैसे हो आप सारे? वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं विक्की सिंह, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब बटन पे जाएं, हिट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि कोई भी नया वीडियो आए आपको पहले पता चल जाए, एंड बिकम ए मेम्बर ऑफ आवर हेल्दी फैमिली। आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है डाइटिशियन, डाइटिंग और इन सब चीज़ों को लेके। कुछ इस एक साल के अंदर अंदर, जो पिछला एक साल गया है और जो अभी का टाइम चल रहा है, बड़ी अवेयरनेस एकदम से लोगों के अंदर आई है। लोगों ने जिम की तरफ अपने आप को मूव किया है, अपने न्यूट्रिशन और अपने डाइट के ऊपर बड़ा ध्यान देना चालू किया है। उनमें से एक मैं भी हूँ, मैंने भी यही सोचकर इस फील्ड के अंदर कदम बढ़ाया था। बात करें इंडियन फैमिलीज़ की, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और इसलिए वो आपको इस करियर के अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं है हमें कि इस करियर के अंदर पैसा है या नहीं है। मेरा ओपिनियन, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा, और इस फील्ड के अंदर पैसा है, बिल्कुल है। ठीक है, और अच्छे एथलीट, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मेहनत इज इक्वल्स टू मनी, ये एक सीधा सा इक्वेशन है। ठीक है, चाहे सोर्स वो यूट्यूब हो, चाहे अपनी पर्सनल आपकी ट्रेनिंग हो, या आप अपना पर्सनली क्लिनिक पर काम करते हो, या आप हॉस्पिटल्स में काम करते हो, कैसे भी आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो पैसे की कमी नहीं है, करियर बहुत अच्छा है, और मैं बताता हूँ, एक रिवॉर्डिंग करियर है। ठीक है, अब डाइटिशियन और एक न्यूट्रिशनिस्ट के अंदर अंतर बताऊँ तो, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो कोई वेल डिफाइंड नहीं है कुछ भी, क्योंकि एक एथलीट भी एक न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है। क्यों? जिसको न्यूट्रिशन की जानकारी होती है वो न्यूट्रिशनिस्ट है। जिसको पता है कि इस फूड से हमें ये मैक्रोज मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, कार्ब्स मिलेंगे, विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, जिसको जानकारी है वो न्यूट्रिशनिस्ट है। वो आपको बता सकता है कि ये फूड आपको लेना चाहिए आपके अंदर अगर इस चीज़ की कमी है। तो एक एथलीट, एक स्पोर्ट पर्सन, ठीक है, इस तरह के लोग भी आपको इस तरह की जानकारी दे सकते हैं। इवन घर की जो दादियाँ होती हैं उनको भी इसकी बहुत जानकारी होती है, तो हम उनको न्यूट्रिशनिस्ट कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। तो मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, कोई इस तरह का कोर्स भी नहीं है हमारे इंडिया के अंदर या आउटसाइड भी, जो आपको न्यूट्रिशनिस्ट बना सके, स्पेशली कि ओनली न्यूट्रिशनिस्ट बना सके। पहले हुआ करते थे, उनको बैन कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक सर्कमट्रेंस नहीं बन पाया, मतलब एक बाउंड्री नहीं क्रिएट हो पा रही थी, क्योंकि हर तरीके का बंदा इसके अंदर आ सकता था। तो एक नया टर्म आया यहाँ पर, डाइटिशियन। डाइटिशियन क्या होता है? एक डाइटिशियन एक मतलब न्यूट्रिशन की उसको सारी जानकारी होती है। ठीक है, एक न्यूट्रिशनिस्ट तो है ही, एक डाइटिशियन एक न्यूट्रिशन की जानकारी रखने वाला पर्सन होता है, लेकिन साथ तो साथ वो प्रैक्टिस भी कर सकता है हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, मतलब वो स्पेशली उसी काम के लिए बंधा होता है, जैसे कि मैं। तो उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन की सारी जानकारी है, आपके पीछे प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने सारे प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, फिजिकली आपने ये सब काम किया हुआ है, आपके पास एक डिग्री है, आप सर्टिफाइड हैं, आपके पास एक डिग्री है, डिग्री होल्डर हैं, और आप काम कर सकते हैं ऑथेंटिक लेवल पे। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों के यहाँ। एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसको भी जानकारी होती है, लेकिन डाइटिशियन जो है वो अपर लेवल पे काम करता है, क्योंकि उसके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस है बॉडी टाइप्स का, उसे पता है कि किसी की बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है किस तरह के फूड को लेके, उसको सिर्फ फूड की जानकारी है। ठीक, लेकिन एक डाइटिशियन को जानकारी होती है बॉडी पार्ट्स की, बॉडी की फिजिक की, न्यूट्रिशन से ज़्यादा जानकारी होती है उसको फिजिक की, बॉडी ऑर्गन्स की, वर्किंग की, बॉडी टाइप्स की। आप एक डॉक्टर की तरह मान सकते हैं उसको, एक न्यूट्रिशन का डॉक्टर मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर अंतर होता है। तो दोनों के अंदर पैसा अच्छा है, न्यूट्रिशनिस्ट आजकल नहीं बन पाते आप, क्योंकि आपको डाइटिशियन बनना ही बनना होगा। ठीक है, डाइटिशियन जब आप हो जाएंगे तो न्यूट्रिशनिस्ट तो आप होंगे ही होंगे। अच्छा पैसा है दोनों करियर के अंदर, डाइटिशियन बन सकते हैं आप, बहुत कम भीड़ है इस प्रोफेशन के अंदर। मैं बहुत सच बताऊं, आपने शायद एक स्टोरी सुनी होगी, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने बताया था कि सक्सेस तब मिली जब वो रास्ता चुना गया जहाँ पर भीड़ कम थी, जहाँ पर कम लोग जा रहे थे। तो सक्सेस भी आपको तब मिलेगी जब अपने पैशन को आप खोज लोगे, और आप उस तरफ जाओगे जहाँ पर लोग नहीं दौड़ रहे, जहाँ पर भीड़ चाल नहीं है।
और अगर शुरू में तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, आपको घर से भी ताने मिलेंगे, अपने दोस्तों से भी ताने ले लेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं तो गलत फील्ड में जा रहा हूँ, मुझे भी इंजीनियर बनना चाहिए था, मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए था, मुझे ये बनना चाहिए था, वो बनना चाहिए था, या मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। लेकिन याद रखना, डटे रहोगे और आखिर में जब एंड में पहुँचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप एक ऐसी फील्ड में आ गए जहाँ पर भीड़ बहुत कम है, जहाँ जानकारी बहुत अच्छी है, जहाँ नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है और जहाँ बहुत अच्छा पैसा भी है और एक अच्छा करियर भी है। ठीक है, मेरी तरफ से आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की आपको कि दोनों करियर्स के बीच में क्या अंतर है, कौन सा करियर ज़्यादा बेटर है, पैसा है या नहीं, क्या आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं। कोई और इस वीडियो को लेके क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपको रिस्पॉन्ड करने का, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको जानकारी चाहिए इन दोनों कोर्सेज के बारे में, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, मेहनत वसूल हो जाती है यार। नीचे सब्सक्राइब बटन पर डाल दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर बढ़ते ना हिम्मत बनती है नई वीडियो डालने की। कोई भी नया वीडियो आएगा आपको पहले पता चलेगा। बी ए मेंबर ऑफ आवर हेल्दी फैमिली यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।